मैं आ गई हूँ फिर से आप लोग के लिए नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स लेके। फ्रेंड्स, काम तो हम रोज़ करते हैं, लेकिन रोज़ के काम को हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स अपना कर अपने रोज़ के काम को बहुत ही आसान बना देते हैं। फ्रेंड्स, काम तो हम रोज़ करते हैं, लेकिन काम करते करते हम इतने थक जाते हैं, सोचते हैं कुछ टिप्स अपना कर अपने काम को बहुत ही आसान बना देते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल दीदी ये कैसे करूँ मैं, आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पहला टिप्स है मेरा इस तरह से धूप बत्ती को लेकर। फ्रेंड्स, जब भी हम धूप बत्ती जलाते हैं तो एक प्रॉब्लम सब लोग फेस करता है कि कभी कभी क्या होता है ना, इस तरीके से धूप बत्ती जब हम जलाते हैं तो इस तरीके जो नीचे का भाग होता है ना, वो इसी तरीके से बच जाता है, वो पूरा नहीं जलता है। तो आज मैं इसका बहुत ही अच्छा टिप्स बताने वाली हूँ। इस तरीके से आप करेंगे ना तो बहुत अच्छे से आपकी धूप बत्ती पूरा जलेगी, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। तो पहले हम ऊपर का भाग निकाल देते हैं और इसको अच्छे से हम इस तरीके से मसल लेंगे, उसको एक बराबर कर लेंगे, क्योंकि धूप बत्ती ना इससे लंबे लंबे डंडी में आती है, उसको इसी तरीके से मसल के पहले तब इसको जलाना चाहिए ताकि वो अच्छे से जलेगा। उसके बाद हमें कुछ इस तरीके से उसको गोल कर लेना है, और आप चाहें तो और लंबा भी इसको कर सकते हैं। उसके बाद हमें लेना है एक अगरबत्ती, जो आप पूजा में यूज करते हैं वही अगरबत्ती लेना है, और इस तरीके से नीचे से इसको हाथों से उंगलियों से दबाते हुए इसको अगरबत्ती को ना अंदर इंसर्ट कर दीजिए कुछ इस तरीके से, और इसको दबा दीजिए। देखिए इस तरीके से बहुत ही अच्छे से ना ये धूप बत्ती जलेगी, आपका ज़रा सा भी वेस्ट नहीं होगा, और ये क्या होता है ना, इसकी खुशबू भी और भी अच्छी आएगी। इसकी खुशबू तो अच्छी होती ही है, लेकिन अगरबत्ती के साथ मिलकर और भी अच्छी खुशबू देगी। देखिए उसके बाद हमें क्या करना है, इसको हम जलाएंगे। तो पहले हम जला लेते हैं। एक और टिप्स मैं इसी में शेयर करने वाली हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। देखिए इस तरीके से पहले हम जला लेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, किस कंट्री से देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे ना तो और लोगों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें, और जो पहली बार देख रहे हैं चैनल पे आए हैं, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए यहाँ मैंने अगरबत्ती को जला लिया है इस तरीके से, और इसका टिप्स ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है। एक और टिप्स, अगर ये धूप बत्ती आपसे नहीं जलती है तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा कपूर लगा दीजिए, कपूर जो हम जलाते हैं ना उसको लगा दीजिए, बहुत जल्दी ये जल जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स एक प्रॉब्लम आती है इसको स्टैंड करने के लिए। अब हम इसे स्टैंड कहाँ करें, तो इस तरह से नेल पेंट के शीशी तो हम सबके घर में होती है, और जो हम बेकार समझ के इसको फेंक देते हैं ना, आप इस नेल पेंट की शीशी का यूज कर सकते हैं इसे स्टैंड करने के लिए। बहुत ही अच्छे से स्टैंड हो जाती है, और जहाँ चाहें आप इसे वहाँ पे रख सकते हैं, बिल्कुल भी इधर उधर गिरेगी नहीं, और बहुत अच्छे से पूरी अगरबत्ती जो है धूप बत्ती है वो बहुत आसानी से जल जाएगी। फ्रेंड, छोटी सी टिप्स है लेकिन बहुत ही काम की है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। और आपको ये टिप्स पसंद आई तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और लोगों को भी इसे शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले टिप्स की तरफ। फ्रेंड्स, अगला टिप्स है मेरा इस तरह से झाड़े को लेकर। इस तरह से झाड़ा तो हम सबके घर में होता है, कभी कभी क्या होता है एक नहीं एक दो तीन भी हमारे घर में होता है, लेकिन यूज़ तो हम एक ही करते हैं, बाकी हम रखे रहते हैं। तो जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा हो या इस चीज़ का हम बार बार तो यूज करते नहीं है, तो आप इसे बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं अपने किचन एरिया में। इस तरीके से हमारे घर में स्पून है, फोक है, हमारे घर में होता ही होता है, तो इस तरीके से बहुत ही अच्छे से इसको इसमें हैंग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ना वो डेली यूज वाली होती हैं, हमें डेली तुरंत चाहिए होती थी, इसी आप कहीं भी अपने सामने इसको हैंग कर सकते हैं। और इसी में जितने आपके पास फोक है, स्पून है, देखिए मेरा ये जो फोक है ना ये ऊपर से इस तरीके से निकला हुआ है इसलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन जिसके पास नॉर्मल वाली स्पून है तो वो बहुत ही अच्छे से इस पर स्टैंड हो जाती है। आप देखिए कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई। तो इस तरीके से आप अपने डेली जो छोटी छोटी चम्मच है काटे हैं इस तरीके से उसमें हैंग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से हो जाती हैं, और देखने में भी बहुत अच्छी लगती है, और आपके सामने भी रहेगी और ख़राब भी नहीं लगेगा। तो आपका सामान का सामान और इसका अच्छे से यूज भी हो गया जो आप रखे रहते हैं। तो बहुत ही छोटी सी टिप्स है लेकिन बहुत ही काम किया, ऐसा आप कहीं भी हैंग करें ना देखने में भी बहुत ही अच्छे लगेगी। तो इस तरीके से आप अपने रखी हुई चीज़ को बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे आपको इसमें। छोटी सी टिप्स है लेकिन बहुत ही काम की है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, अगला टिप्स है मेरा इस तरह से पेन को लेकर। फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है जिसके घर में बच्चे हैं ना वो इस तरीके से अपने हाथ पे पैर पे इस तरीके से पेन खींचते रहते हैं, उस पर लिखते रहते हैं, तो इसे छुटाना बहुत ही दिक्कत हो जाता है। या तो हम कोकोनट ऑयल से इसे हम रिमूव कर सकते हैं, या मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। अगर आपके पास ऐसा कुछ सिचुएशन हो गया है कि इसको आपको मिटाना है और आपके पास कुछ नहीं है, आप हर जगह तेल लेकर निकल कहीं भी हम बाहर जाते हैं तो इस तरीके से परफ्यूम वगैरह तो हम सबके पास होता है, तो इससे मैं आपको ना दिखाऊँगी बहुत ही आसानी से, आप मतलब एकदम देख के चौंक जाएंगे। देखिए आपको क्या करना है ना, जहाँ भी बच्चे ने अगर इस तरीके से पेन से खींचा है तो उस पर थोड़ा सा कोई
भी परफ्यूम आपके पास हो ना उस पर स्प्रे कर दीजिए, और आप खुद देख सकते हैं कितनी आसानी से मेल्ट हो गया और पता भी नहीं चला कि वहाँ पे पेन का निशान भी है। आप देखिए कितने अच्छे से रिमूव हो गया, बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाता है। बहुत छोटी सी टिप्स है लेकिन बहुत ही काम की है, बहुत ही स्मार्टली आप इस काम को कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से ये रिमूव हो जाता है। आप इस टिप्स को एक बार ट्राई जरूर करेगा अगर ऐसी सिचुएशन में फंसे तो, बहुत आसानी से हो जाता है। बस आपके पास कोई भी परफ्यूम होना चाहिए तो इस तरीके से आप परफ्यूम से पेन के दाग को रिमूव कर सकते हैं। छोटी सी टिप्स है लेकिन बहुत ही काम की है, एक बार इसे ट्राई जरूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले टिप्स की तरफ। फ्रेंड्स अगला टिप्स मेरा बहुत ही कमाल का होने वाला है। आप बस एक सेफ्टी पिन से अपने किचन के सारे बर्तन को साफ कर सकते हैं, वो भी कैसे चले मैं बताती हूँ वीडियो में, प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स हम बर्तन को कितना भी धुलते हैं लेकिन कुछ ना कुछ उसमें गंदगी लगी रह जाती है, मैं बताती हूँ कैसे और कहाँ। आप भी सोचेंगे कि जब हम बर्तन धुलते हैं तो फिर उसमें गंदगी कहाँ रह जाती है, तो देखिए फ्रेंड्स अक्सर क्या होता है ना कि जो इस तरीके से ना जो थोड़े से ना पीछे से मुड़े हुए जो बर्तन होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है हम कितना भी साफ से बर्तन धुले उसमें कुछ ना कुछ फंसा ही रह जाता है। मैं आपको खुद साफ करके एकदम लाइव आपको दिखाऊंगी, आपको मैं देख के आप खुद भी चौंक जाएंगे। देखिए जैसे इस तरह से जो ग्लास होता है ना पीछे की तरफ से इस तरीके से मुड़ा होता है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मेरे में ज़्यादा गंदगी नहीं क्योंकि मुझे जब भी टाइम मिलता है ना तो मैं इस तरीके से फ्री होती हूँ जब भी, तो इस तरीके से बर्तनों को साफ़ कर लेती हूँ, इसलिए मेरे में आपको ज़्यादा गंदा नहीं दिखाई देगा। फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ, आप खुद देख सकते हैं कि मैं जब पिन से इसे साफ़ कर रही हूँ तो फिर भी इसमें से गंदगी निकल रही है। तो अक्सर क्या होता है इस तरह से जो ग्लास होते हैं ना उसमें गंदगी भरी जाती है, आप कितना भी साफ़ करिए इसको। इसलिए मैं आप सबको कहना चाहूँगी ना, जब भी आपको समय मिले ना तो इस तरीके से टाइम टू टाइम इसको आप एक बार ज़रूर क्लीन किया करिए। कोई भी पिन ले लीजिए, फोक ले लीजिए या नाइफ़ ले लीजिए, जो भी आपके पास हो इस तरीके से आप लेके बर्तनों को साफ कर सकते हैं। जैसे मैंने ग्लास का दिखा दिया, जो इस तरह से प्लेट होती है ना, इसके जो कंखे मुड़े होते हैं ना इस तरीके से, देखिए आप इसको जब भी साफ करेंगे ना इसमें से गंदगी ज़रूर निकलेगी। देखिए इस तरीके से आप इसको पिन से ना, कोई भी पिन आपके पास जो ख़राब हो जिसका आप यूज़ नहीं करते हैं, जो ख़राब हो गया हो, जो साड़ी में फंसता हो कपड़ों में फंसता हो, उसी पिन का आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देखिए प्लेट के पीछे मैं आपको गंदगी साफ़ करके दिखाती हूँ, देखिए कितना निकल रहा है। तो इसी तरीके से आप अपने बर्तन को साफ़ कर सकते हैं। जैसे कुकर का जो ढक्कन होता है ना इसके किनारों में भी गंदगी लगी होती है, इसे तो आप ज़रूर से टाइम टू टाइम बीच बीच में एक बार चेक ज़रूर कर लिया करिए, और इसे टाइम टू टाइम ज़रूर साफ़ कर लिया करिए। और देखिए जो इसकी सीटी होती है ना इसको निकाल के उसको भी आप ज़रूर से साफ़ करिए, क्योंकि जो लोग कुकर में चावल बनाते हैं ना उसको ये चेक ज़रूर करना चाहिए। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाला हुआ है, आप जाके ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो मैंने डाले हुए हैं, एक बार ज़रूर मेरे चैनल पर विजिट करिए। तो इस तरीके से ना कुकर के ढक्कन को आप ज़रूर से साफ़ किया करिए। अब देखिए जैसे इस तरह से थाली जो होती है ना उसके पीछे भी गंदगी होती है, मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने पहले ही कहा कि मैं इसको टाइम टू टाइम क्लीन करती रहती हूँ, तो इसीलिए मेरा उतना ज़्यादा आपको नहीं दिखेगा, फिर भी मैं एक दो दिन से नहीं की थी। तो देखिए इस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ कैसे इसमें से गंदगी निकलेगी। मैं आपको इसी तरीके से आप अपने बर्तन में ज़रूर से चेक करिएगा, उसमें आपको इस तरीके से गंदगी ज़रूर निकलेगी। और इस तरीके से आप साफ़ करते रहेंगे तो बर्तन हाइजीनिक रहेंगे, नुकसान नहीं करेंगे। इस तरीके से जब भी धुलें ना या जब भी आप फ्री हो ना, बस इसी तरीके से एक पिन की हेल्प से आप अपने बर्तनों को क्लीन कर सकते हैं। जब भी आप फ्री हो बस जो आपको जो बर्तन हो आसपास में आप उसको क्लीन कर दिया करिए, क्योंकि वो अच्छे नहीं होते हैं, हाइजीनिक नहीं होते हैं इस तरीके से। और बर्तनों को ना वीक में एक बार गर्म पानी से ज़रूर वॉश कर देना चाहिए, गर्म पानी में डुबो के आप रख सकते हैं। जैसे इस तरह से सस्पेन होते हैं जिसमें हम चाय बनाते हैं, तो देखिए इस तरीके से जो उसके अंदर का ये टॉप होता है ना उसमें भी चाय बनाते बनाते आपने नोटिस किया होगा ना इस तरीके से काली काली उस पर किनारे किनारे परत जम जाती है, आप कितना भी उसको धुलिए ना वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके उस पर जमा हो ही जाता है। तो इस तरीके से आप सेफ्टी पिन लेके और उसको टाइम टू टाइम क्लीन करते रहेंगे ना तो उसमें वो काली जो परत है ना वो नहीं जमा होगी, आपका बर्तन एकदम नीट एंड क्लीन रहेगा। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।